ये भगवान है, टंत पर देख कितनी बड़ी पन्नी मैं। राम राम जी सारा ना, आप सबका स्वागत है जेठानी दुरानी ब्लॉग चैनल पे। भाई एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर दी। सुबह का टाइम है, आज गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज रात ने बारिश आई थी 4 बजे, बारिश के साथ साथ ना आंधी भी आ गई थी। तो भाई हमारे घर में एक मतलब बारिश के आने तक समस्या आ गई, क्योंकि आज हमारी लाइट अलग गई, तार में पता नहीं कित फॉल्ट आ गया, टूटी पाई है। तो जा रहे हैं तार ने संभालने खातर, आज नलका नहीं चला, नलका ना चलाने के कारण आज मैंने अपने गाँव भी नहीं नहवाई है और मेरा काम थोड़ा लेट हो गया अभी, क्योंकि मैंने होती मतलब बाल्टी आ गया, फिर सारा गंदा धोया यार। बारिश आने में कति बुरा हाल हो गया। अरे 9 बज रहे हैं पर धूप नहीं है, धूप नहीं है तो फिर भी मैंने यार काट लियाऊंगी। पिंकी ने रसोई का सारा काम कर दिया, मैं रात लिए खड़ी हूँ, मैंने लेने जाऊँ यार। पिंकी मैंने ठवा के लियाऊंगी आज। हर भूमि के पापा जा रहे हैं तार संभालने खातर, बालक जा लिए हैं सुबह सुबह स्कूल में। और आज हमने बनाई थी गिया की सब्जी, बच्चे ने खाई थी, शाम वाली सब्जी के साथ भी खा लिया, नहीं खाता गिया। और बाकी भाई अभी मैं पिंकी ने दिखाऊँ की कर लाँगे गिया, देख रोटी बनानी रह रही है। पिंकी रोटी बनाओगी जब तक, मैं तो रोटी बना खाऊंगी, मैंने गठरी ठवाने खातर अंदाजा 15 मिनट में आ जाए, मेरी कटकर तैयार हो जाएगी। तो भाई एक एक गठरी नार लाऊंगी, दो को लिया करती, क्योंकि नार कम हो रहा है, जवार जवार खत्म होगी है। फिर पिंकी तब तक रोटी बना लेगी, फिर रोटी बनाए पीछे सारा काम हुआ है हमारा। तो बाकी सुबह एक जोटा तो बेबे का लाग लिया कुछ बढ़िया वाला है ना। चल मैं चलती हूँ बेबे, आ जाइए फिर तुम्हारा ठवानता ही, ठीक है भाई। नहा धो ली हूँ, काम कर लिया, काफ़ी टाइम हो गया, पर वही बात हो जाए अकना नहाने धोने के बाद खान पीन का काम तो रह जाए, क्योंकि नहाए धोए बिना कोई रोटी को ना खाता। राज मारे ही फिर हो रहा है बादल, कि मैंने आड़ा बड़क के लाते लाते सुखा रखे, जो तौलिए तालिए सूखे थे बनियान बुनून, तो वे सारे मैं तार के भीतर ले गई हूँ। अरे बादल पता नहीं आओगा कि नहीं आओगा, अरे एक घंटा रेस्ट करेंगे, पिंकी कमरे में लौट रही है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए है, माइंड पकते अजीब सा ना प्रेशर सा पड़ जाए है, नू थकान सी हो जाए है। और सारे ने रोटी खाई, मैंने बर्तन रसोई में छोड़े दिए, बालक आऊँगे 1 बज रहा है, और बालक आऊँगे तो उसके बाद मैं उन रोटी खवा के सारे बर्तन दूंगी, बार बार ना कति परेशान हो जाऊँ। और आज ना हमारी लाइट ना हम कर दिए थे कति दुखी, लाइट मान लो 4 बजे जब आंधी भी आई, थिरमी भी आया था बहुत तेज बारिश आई थी, तो हमारी लाइट में आ गया फॉल्ट, जो स्कूल दौरे थे ना हमारी तार टूट गई थी। फिर सुबह भूमि के पापा ने इन्हें ठीक करी है, फिर 9 बजे लाइट आई है, उसके बाद नार नूर लिया के फिर नलका चलाया, फिर ओदी भरी, दोनों टंकी खाली उड़ी थी वे भरी। तो भाई वही बात है, खेता मेरा मैं है, बाकी गाँव वाले आदमी भी इस काम ने तो सोचा है भाई, पानी पुणी का अपना यो काम तो पूरा स्टॉक रखना पड़ा है, और यहाँ तो हमारे यहाँ पड़ोसी भी ना है कोई मदद दे कर देवे, तो अपना सारा अरेंजमेंट करना पड़ा है। और फिर आगे थे एसी की सर्विस करने वाले, भाई कई दिन तक ना एसी ठंड को ना करा था, कई घंटे चला लो इसका फील हो था, जो कर चल ले नहीं रहा, तो एसी की सर्विस करने वाले आगे थे, सर्विस करके चले गए हैं। और भाई आओ चल दोपहर ना नाओ बिना नहाए, रोटी को ना खाते ना कहा है, मर गया गर्मी में, बाहर गली में खड़े होकर ना कहे हैं, जो हमारे ऊपर तो पाइप आ रही ना उसकी एक टूटे हमने गली में निकाल रखी, भाई जैसे ऑपरेटर रहे नहा धोन खातर या और भी कोई बाहर का आदमी आवे तो पानी के लिए सुविधा हो जाए, तो घर में एंट्री ना करे, बाहर के बाहर काम चल जाए। बाहर उड़ा पूरा नलका चल रहा है, नलका ना भी चल रहा हो ना तो टंकी में तो इतनी मोटी पाइप अच्छा पानी चल रहा है, तो उसमें बैठ कर नहा खाई है। अरे खाली रोटी वे चले गए अपने भाई दौरे, मैं पिंकी अपने कमरे में लौटेंगे थोड़ी देर, एक घंटा रेस्ट करेंगे, फोन में कुछ काम करेंगे। रेस्ट तो क्या भाई आजकल ना युवा बात है, इस वीडियो बनाने के चक्र में वैसे तो काम हो जाए, ऊपर तक गर्मी हो जाए, ऊपर तक फैमिली का काम और खुद का काम, और फिर बाकी सारा टाइम चला जाए फोन में, फोन में लागे रहो, देखे जाओ, करे जाओ, वीडियो तैयार करो, अपलोड करो, भाई काम बहुत ज्यादा हो जाए। वही कहते हैं भाई नू कह गई थी मैं सो हूँ, और लौट गई थी आंखें में नींद सी भी आ गई थी, पर कति मौसम हो रहा है बढ़िया, और बारिश का त्यान के पूरे पूरे चांस है, मन लगा होगी, क्योंकि रात ने भी बहुत तेज बरसा था, मैंने जो गुस्से सुखा रखे थे ना बैठा दो, एक बार रात ने हमारा चूल्हा भीज गया, अब ना तो फिर भी जगह रोटी पोन में फिर दिक्कत आओगी, भाई चूल्हा ना लुगाई का आधी रात का गहना हुआ है, भाई चूल्हा आ रहा तो सब अपना सेफ रखना पसंद कर रहे हैं। अरे एक बात और बताऊँ आप सब ने, मैं हमारा जो ये पौधा है ना आज हमारे बगड़ में पिंकी इतने बेरा है, फूल खिलेंगे हैं आज हमारे, देख लो भाई घर आंगन में, हाँ देख खिल गया, दिख भी लिया होगा घर आंगन में, भाई फूल खिलेंगे, खूब सारी डोडी आ रही देख लो, छोटा सा पेड़ा है, बचाइए तो तोड़े किस ने, तोड़ू को ना दिखाती हूं, नहीं आते नहीं, आज भी लौंड दंदे छोटे दो बार तोड़ दिया तो नहीं, नहीं तो दो बार तोड़ दिया, देख लो भाई ये थोड़ा सा खिल रहा है, कल ना कभी पूरा ही खिल जाएगा, फर्स्ट टाइम हमारे घर में बगड़ में आंगन में फूल खिलेंगे भाई,
ये पौधा लगा दिया था क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तम आ रहे हैं मुझसे हमारे कति दुश्मन है और मुझसे ना तुलसी भी ले गए हमारी पाड़ का पेड़ पौधे तो कितने बढ़ देंगे। अमरूद लगा था अमरूद भी सारा खा गए, तो बस पहली बार ये गुड़ल का पौधा होया है। तो भाई देखते हैं जब फूल खिलेंगे दिखाऊंगे आप सब, तो कति एंडी लागेगा घर जमा कति एक नंबर का फुल्ला की तो अलग बात हो। देख लो भाई शाम का टाइम हो गया 5 बजे का, कितना प्यारा मौसम हो रहा कितना हो रहा है 1:30 बजे का टाइम भी हम घर में देख घर के आ गए क्यों कर बैठे हैं कति दिन सांझ का क्योंकि मौसम हो रहा बादला का। और हम गए थे अमरूद लेने में और पिंकी हम दोनों दुरान जी टाइम पर नहीं ठाडे भर के ला रहे अमरूद रिकॉर्ड तोड़ रहा कहते हैं मुझे दिखाइए ये भगवान है तो टाइम तो पर है इतनी बड़ी पन्नी में के पाया है 4 अमरूद लाए भाई क्योंकि कई पेड़े थे उन पर गए देखने तो भाई उन पर कति छोटे छोटे पायर जो पाक रहे थे उनमें थे कीड़े। ए पिंकी रोज कहती थी माँ बिराप ले ला खावा है जो बेचारा एक दो तोड़ ले अपने अपने जो गया सारे जितने पक के सारे तोड़ ले क्योंकि भाई शुगर आई ने बिराप अमरुद खाए तो काम चल रहा है। हम तो गए थे चेक करने पर एक पेड़ आज इसपे एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएंगे छोड़ना नहीं हमने मौका अपना जोड़ा और अपनी डंडी तैयार सही है अपना खेता में फल फ्रूट नहीं खाओगे तो और क्या खाओगे सही बात है बता दियो कमेंट में मेरी डंडी वाली के डंडा वो पड़ा था डंडा भी तो लेके जा रहे थे पर छोटा सा था आज कुछ रेस्ट नहीं करा भाई इन्होंने सोचा थे रेस्ट करेंगे फिर हम मौसम बढ़िया होगा तो हम फिर अपना अमरूद लेने चले गए नहीं तो हमने नींद आवा लेना दो रोटी बारी खाई जन आखा में नशा हुआ है मेरे ना हो रहा था जब फोन आ बड़ा कहूंगा ऑटोमेटिक फुर्ती आ जाएगी फिर है ना बीजेपी ले गए आप जगह हम तो चाय पीऊंगे बीडी पीने वाले तुम बने रहो। तो भाई बालक आ लिए स्कूल में तैयार इनका खाना पीना खवा दिया आज हमारे बच्चे लेट हो गए क्यों है चीनू आज लेट है देख लो एक्टिंग देख लो चीनू की देख लो मुंह पछू नीचा नहीं लपेट कर लौट लिया है काम कौन करेगा स्कूल का रे बड़ा अरे भूमि भाई इसका रोज का काम है देख लो इसने कितनी ठंड लग गया छोरी ने दिमाग चादर चादर ओढ़ कर सो जाए क्योंकि भाई ये कभी थकार काम है भूमि ने तो रोज आदत हो रही है आध घंटा सोन के ना विंके हनी भी सो लिया होगा ना भाई हमारी सी आदत भी हम आते हैं ना बच्चा तो है मान लो सुबह 8 बजे तक 2 बजे तक बेचारे 7 बजे चले जाए मतलब कि 7-8 घंटे तक कति स्ट्रेस माइंड रहे बड़का कर करते बाहर इतना आदमी रिलैक्स कौन रहता और आते हैं महीने 1 घंटा में एक आगे बेटा थोड़ा हाँ लौट जाओ आराम कर लो जिसने थोड़ा बहुत फ़ोन में कुछ देखना देख लो भाई इतना ज़्यादा तो दिया नहीं करते बाकी टीवी टावी भी नहीं देखा करते ये अब हम यहाँ पर बैठे हैं चाय कोड़ पर पीनी विंकी आज एक आज मेरी पिंकी की चाय थोड़ी अलग अलग होगी आज वो फिर चाहे दोबारा रोटी खाई जाती सुबह की हो जाएंगे ना 12 बजे और आज है शनिवार आज बच्चे कोड ब्रेती सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो फिर भी कैसे सोई थी 4 बजे उठूंगी अरे भाई बारिश को नहीं आई है राम जी बका बका चला गया बस नींद खराब कर दी और अमरूद लेने गए थे कुछ नहीं मिला वो डर 4 कच्चे थे पिंकी ने मान ले कच्चे अमरूद लेकर आए क्योंकि भाई जोन से पिड्डे में हम गए थे ना तो उस पर बस इन मान लो कच्चे कच्चे से लग रहे पक्के नहीं और बाकी जो से पक्के उन पर हैं कीड़े और कुछ ऊपर थे तो हाथ नहीं गया तो गए थे कुछ सोचकर खाली हाथ आ गया अंदर ना खाली पर नहीं लटकाते सोचा था नू था और चलो फरी है बढ़िया मौसम है खेत में रहा भाई फरी का फल फ्रूट तो खाना चाहिए है ना विंकी न तो खाम खाई पैसे के लगाने जरूरी है भाई छोटा सा प्यारा सब लोग था भाई बता दियो कैसा लगा सारे से भूडे कच्चे अमरूद पाए फांसी और पड़ गए कच्चे ये बहुत से कच्चे भी खावा है अमरूद खा लिया ऊपर तो पी लिया पानी तो भी खाना पीना बड़कर देख के देना पड़ा है। तो भी वीडियो कैसी लगी बता दियो लाइक शेयर कर दिया और कमेंट कर दिया और कल मिलेंगे ठीक है शेयर भी कर दिया अपनी मर्जी तो करेंगे शेयर इन्हें कुछ बढ़िया लगेगा हमारा तो कहने का फर्ज है भाई ठीक है। अरे भाई वो घंटी का बटन दबा लिया करो बेल आइकन का ताकि जो हम जितनी भी वीडियो डालना आप तक सारी की नोटिफिकेशन जाती रहो है तो वीडियो जाऊंगी तो आप सब देखोगे अगर घंटी का बटन नहीं दबाओगे ना तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाओगे ना ठीक है भाई चैनल कई बार ऐसा हो जाए ना अभी सर्च करना याद है अगर हमारे चैनल का भी नाम बदल लिया हमने जेठानी दुरानी ब्लॉग चैनल रख दिया है और क्यों रख दिया भाई इस पर कल स्पेशल एक अलग तब ब्लॉग बनाऊंगी फिर बताऊंगी क्यों हमने अपने चैनल का नाम बदलना पड़ गया ठीक है।